सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप बोल हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दो। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कम्बल ओढ़ के क्यों बैठी हूँ, तो मैं बता देती हूँ, मेरा स्वेटर को मैं घर पे छोड़ आई हूँ, उसी वजह से अभी स्वेटर नहीं है तो कम्बल ओढ़ के बैठी हूँ। और नाइट का टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है, तो थंबनेल टाइटल देख के सोच रहे होंगे कि आप लोग क्या हो गया। तो आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि हम इसहाक मुंडा भैया से कैसे मिलने के लिए गए, और सब लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था तो क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, और उसमें काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट भी आए थे, लेकिन हम लोग नेगेटिव कमेंट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे और उदास नहीं होंगे। और कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझने के लिए। और ऐसे ही आगे हमारे साथ में बने रहिएगा और हमें समझिएगा, हमें अच्छा लगता है। अब तो पिछले वाला वीडियो में आप लोग हमें बोला था कि धंधे का मैं नहीं करना करके, तो ऐसा कमेंट नहीं आया है, तो आप लोग के लिए थैंक्स। तो ठीक है, हम लोग बताते हैं कि हम भैया से कैसे मिलने गए और क्या क्या हुआ और कितने दिनों से हमारा कांटेक्ट था। तो मैं बता देती हूँ, पहले तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, 45-46 हज़ार व्यूज़ कम से कम गया था उस वीडियो में। तो उसमें काफ़ी सारे हमें वॉचर मिले थे, लेकिन वो मेरा 7वां 8वां नंबर वाला वीडियो था, मतलब 7-8 नंबर में मैं वीडियो बनाई थी। उससे पहले मेरे को ज़्यादा नहीं, समथिंग 1 महीना हो रहा था चैनल खोले स्टार्ट किए, तो हमारा 7वां 8वां वीडियो था वो, और उतना गया था, फिर भी हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ था। कम से कम मैं 60 वीडियो डाली तब जाके मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ, उतने में मेरा वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ था। कि आप लोग ये मत सोचिएगा कोई भी कि मैंने उनके लिए वीडियो बनाया तो एक वीडियो वायरल हो गया तो वॉच टाइम पूरा हुआ, ऐसा नहीं है। जब मैं 60वां नंबर वाला वीडियो बनाई, जब मेरे चैनल पर 60 वीडियो टोटल हो गए, तब जाके मेरे वॉच टाइम पूरे हुए थे और मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हुआ था, है ना। कितना वॉच हाँ, टाइम बढ़ता है उसमें? उसमें कुछ 1000 था, पता एक नहीं। हजार वॉच टाइम उसमें मिला था। और बहुत सारे हमारे वीडियो बनाने के बाद, कुछ वीडियो हमारे खुद के कंटेंट वायरल होने के बाद ही उसमें मतलब गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें आ गया था हमारा, तो मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं था। तो हम चाहते थे उनसे मिलने के लिए, आप लोग जानते हो हमेशा से हम सोचते थे कि उनसे मिले। तो जब उन्होंने इंस्टाग्राम, मैं तो उनको डेली कमेंट करती थी डेली, और वो रिप्लाई भी करते थे कभी कभार, कमेंट में भी हाय वगैरह ये सब चीज़ आया है मेरे, और मैं सबको स्क्रीनशॉट लेके रखती थी जब वो मुझे हार देते थे सब चीज़। बाद में जब उन्होंने इंस्टा खोला तो 3-4 दिन वो वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ हमारा कैसे कांटेक्ट हुआ। तो 3-4 दिन वो वीडियो नहीं डाल रहे थे पहली बार, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि 3-4 दिन हो गया भैया वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो मुझे लगा क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया कि भैया मैं आसिरानी ब्लॉग से, और क्या बोलते हैं आप, 3-4 दिन हो गया क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हैं। और मतलब उस दिन उनकी डॉटर का बर्थडे था, तो मैंने उनको विश भी किया था, तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना के क्लिप उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करती थी, और जब मैं उनको फॉलो की थी तो उन्होंने मतलब एक्सेप्ट करके रखे थे मेरा, मैं जो फॉलो की थी। और मैं पहले मैसेज की तो मैं बोली आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने आएंगे तो आप मिलोगे कि नहीं भैया, तो उन्होंने हाँ बोला, आएंगे, हाँ ठीक है, तो यस बोला मैं, वो अगर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। फिर मैं वीडियो पोस्ट भेजी, फिर उन्होंने मतलब रिप्लाई ऐसे दिया, फिर बात किया था हमसे, लेकिन हमको उनका नंबर भी पता था, लेकिन हम उस नंबर में कॉल करते थे तो उनका नंबर बंद आता था, क्योंकि उनको बहुत सारी पहले मतलब कुछ नेगेटिव लोग भी कॉल कर करके धमकियाँ दे देते थे, जिसके वजह से उन्होंने अपना पहला वाला नंबर बंद कर दिया था, है ना। तभी हम लोगों ने सोच लिया था कि हम जाएंगे मिलने के लिए। और जब हम लोग छत्तीसगढ़ चले गए तो हमने सोच ही लिया था कि एक बार तो मिल के आएंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों ने ये प्रमोशन और प्रमोशन के लिए इसीलिए नहीं, बस ये सोचते थे कि नहीं, एक मिलने का रहता है ना, कि किसी इंसान को डेली फॉलो कर रहे देख रहे हैं तो उनसे भी मिले अच्छा लगता है, तो एक मिलने का वही था, तो हम लोग चाहते थे कि मिलना। तो हम छत्तीसगढ़ गए थे तो हमारे पास उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, काफ़ी जुगाड़ उगाड़ करके हमारे एक अंकल से हम लोगों ने मांगा पैसे, उसके बाद उनके पास गए, और वो अंकल हमारे निसार अंकल है, जो कि आप सब जानते हैं हमारे अंकल, और हमने कई वीडियो में उनका नाम भी लिया है कि
निसार अंकल हमारा बहुत सपोर्ट किया बोल कर, फिर उनसे मांगे हम पैसे। निसार अंकल नहीं हुए तो नहीं, मतलब हेल्प नहीं किया रहते तो हम लोग इशाक मुंडा के पास भी नहीं जाए, नहीं जाए रहते, इशाक मुंडा के पास नहीं जाते, सही बात है। उन्होंने हेल्प किया, तो आज हेल्प किया, कल हम लोग चले गए, तो निसार अंकल पैसा दिए हमें जाने के लिए कि आप मिलना जाना चाहते थे और क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ। हमने उनको बता दिया कि अंकल हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, है ना। बाद में उन्होंने बोला ठीक है, मैं जुगाड़ करके भेजता हूँ। फिर उन्होंने जुगाड़ उगाड़ किया, हमें भेजा। फिर हम नेक्स्ट डे गए, और गए तो हम पहले तो हीराकुंड में रुके, आप लोगों को पता है, वहाँ पे रुके हुए थे। और बाद में क्या बोलते हैं क्या हुआ, एक दिन वहाँ नाइट में रुके हुए थे, उसके नेक्स्ट डे हम लोग फिर उनसे मिलने चले गए सुबह। तो हम मिलने गए तो इतना हंसी आ रहा था, गूगल से मैप से देख मैप से देख देख के गए क्योंकि उनका फोन नहीं लग रहा था। और हम डुलाचंद भैया को भी कमेंट किए ना, कॉल किए, इंस्टाग्राम पे कमेंट किए, मतलब बहुत सारा चैटिंग हुआ उनसे। डुलाचंद भैया वो पहले उनका वीडियो बनाया था, हाँ, इंटरव्यू वाला जो वीडियो बनाए थे उनको भैया, बेस्ट ओडिशा ब्लॉगर शायद उनका चैनल का नाम है, देखना पड़ेगा उनका ना भैया, तो देख लेना उस चैनल को भी आप लोग। तो वही भैया इंटरव्यू लिए थे उनका, तो हम उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किए, तो वो बोले कि नंबर देने के लिए किसी को भी मना किए हैं। तो हम लोगों ने पहले से काम मैसेज उसे कर दिया था, तो उन्होंने हाँ बोला था, तो हम सोचे कि एक बार हम लोग आ रहे हैं इतना बता दो। फिर वो कॉल किए और फिर उनको बताए, है ना। फिर भैया फ़ोन नहीं उठा रहे थे, है ना। बाद में हम मैप से देख देख के उनके गाँव का एड्रेस तो हमें पता था, हम चले गए। लेकिन गांव पहुंचने के बाद वहाँ छोटा छोटा दो तीन और गांव है, तो दो, जैसे कि पहले बताई थी मैं आप लोगों को अपने वीडियो में कि दो, एक अंकल मिले थे और एक भैया मिले थे, तो हमने बोला कि यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं उनके घर जाना है, तो हमको टीवी वाला के घर लेके गया था और उतना हंसी आ रहा था वहाँ पे वो इंसान हमको टीवी वाला के घर। सोचा होगा कि वो टीवी में आता होता, टीवी अगर बनाता होगा तो वो सोच के हमको जो टीवी बनाने वाला घर रहता है ना उनके घर लेके गया था। वो बकायदा मस्त ओडिया में उसको चिल्ला रहा है, आसो आसो तुमको मिलवा लगे आसी जो नैसे जो बोल रहा था। तो मैं घर को देखी, ये तो घर बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मतलब अजीब सा घर में लेके गए थे, एकदम लास्ट में था, जैसे भैया के घर में आजू बाजू घर है वो ऐसा नहीं था, वो लास्ट में घर था, तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि उनके गांव से वही कितना 3-4 किलोमीटर में था। हाँ, 3-4 किलोमीटर में होगा, पास में ही थे हम लोग, पास में थे। असल में हमको जाना था सीधा, है ना, सीधा जाके, और हमको जाना था सीधा, और ऐसे रोड था, और हमको मतलब लेफ्ट साइड उतरना था, तो हम मतलब 2-3 किलोमीटर आगे ही लेफ्ट साइड उतर गए थे दूसरे गाँव में। तो वो दोनों गांव मतलब जस्ट अपोजिट में था ऐसे, और ये सीधा रोड था, तो हमको वहां अंदर से जाना पड़ा उस गांव में। तो इतना रोड खराब था, जबकि मेन रोड से सीधा पड़ता है हमारा गांव, है मेन रोड से सीधा पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उधर नहीं जाके वो दूसरे गली में घुस गए। उसके बाद जो जंगल और पूरा कच्ची रोड, इतना ज्यादा उछलता था सब्जी, है ना। बाद में हम लोग उठ के गाँव पहुंच तो गए, पूरा जंगल ही दिखाई दे रहा था, जंगल ही जंगल, घर और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था आसपास। और वहाँ वहाँ पे एक और वो था, क्या बोलते हैं, मर जाते हैं तो जलाते हैं, शमशान घाट में जैसे मर जाते हैं तो जलाते हैं ना, तो वहाँ पे एक छत में वैसे जलाते हैं वो लोग, तो छत टाइप का ऐसा कुछ बना हुआ मुर्दा घर, हाँ मुर्दा घर बना हुआ था। तो बच्चे लोग कुछ खेल रहे थे, हम दूसरे गाँव में चले गए। हम लोग उनको पूछे कि मतलब भैया का उनका घर कहाँ है जो वीडियो बनाता है, उन्होंने बताया उधर है, मुर्दा घर साइड का जो रोड है ना उधर है। फिर मेरे को डर लगना चालू हो गया, एक भी इंसान नहीं दिख रहे थे उस रोड में, एकदम पूरा जंगल, और मैं बोल रही मुर्दा घर बोल रहा है भाई देखो इनका बार बार मैं बोल रही थी, है ना, बार बार इनको मैं बोल रही थी मुर्दा घर बोल रहा है वो इंसान, देखो भाई मुर्दा उर्दा निकलेंगे वहाँ, मैं तो जाने वाली हूँ, नहीं भागते चलो रिटर्न जाते, मैं वैसे बोल रही थी। बाद में थोड़े दूर जाने के बाद एक और आदमी मिला, उस वहाँ भी दो रास्ता था, एक रास्ते से आ रहे हैं दिख रहा है दो रास्ता, अब आदमी खोज रहे हैं हम लोग, एक भी आदमी नहीं दिख रहा। गाँव का नाम मुझसे पूछे तो हाँ इधर ही जाते हैं, सीधा जाता है, सीधा जाते हैं जाओ वाला, लेकिन दो रास्ता था वहाँ, लेफ्ट जाना है राइट जाना कुछ भी नहीं बताया। फिर हम लोग लेफ्ट लिए ना, वहाँ से लेफ्ट लिए, जंगल गए, एक गाँव पहुँचे। हाँ, फिर देखे
थोड़ा ये देखा देखा तो लग रहा है वीडियो में, लेकिन वो नहीं था, आगे चले गए, फिर दूर चले गए ना, और मतलब आगे बहुत आगे चले गए। बाद में उनको जेंट्स लोगों को पूछे, और बाद में वो उन्होंने बताया कि उधर है दूसरे गली में आप छोड़ के आए, फिर वहाँ हम लोग गए, फिर हम लोग भैया घर, हम लोग मतलब छोटे छोटे बच्चे को पूछे पहले, उनको मतलब बोले कि हम लोग मिलने आए हैं और मनीषा लोगों का घर कहाँ है, बच्चों को पूछे, तो बच्चे लोग सीधा दौड़ते हुए उनके घर बताने गए पहले, फिर हम लोग उनके घर गए, है ना। नहीं, उनके घर के आगे चले गए थे फिर, हाँ, और आगे चले गए थे, फिर हम लोग रिटर्न आए रिवर्स करके, फिर दूसरे गली में गए, फिर वहाँ बच्चे लोग काफी सारे थे, तो मैं ये हिंदी में बोलते थे तो वो लोग नहीं समझ पाते थे हमें ना, तो मैं उड़िया में बोली कि मनीषा लोगों का घर किधर है, तब उन्होंने बताया कि ये वाला है, और इतने सारे बच्चे थे ना वहाँ दौड़ते दौड़ते सब लोग बोलने जा रहे थे, मनीषा तुम्हारे घर में कोई आया है, तुम्हारे घर में मेहमान आ रहा है, ऐसे बोलने जा रहे थे। फिर वो लोग बोल के आए, फिर थोड़ी देर के बाद में हम लोग रोड के पास ही खड़े थे, बाद में उनके भाई वही लोग वहाँ बाहर में खड़े हुए थे, फिर हम लोगों को बुलाया, फिर हम लोग गए, है ना। और फिर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं पूछ के शूट किया उनको, हम लोगों ने पहले पूछा और पहले काफ़ी देर तक हम लोगों ने बात किया, उसके बाद हम लोग शूट किए, है ना। और उन्होंने बहुत लोगों का बोलना ये था कि आप बिना पूछे किसी का घर कैसे दिखा सकते, तो ऐसा नहीं है कोई जाके बिना पूछे किसी का घर नहीं दिखाता है, उन्होंने भैया ने खुद बोला हमें कि आप शूट कर लो घर दिखा दो, तो हम लोगों ने दिखाया। और उसमें आप उस होम टूर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं ये बात को कि ओ मैं इधर उधर नीचे से ऊपर से उतरती हूँ नीचे में, फिर ओ किचन तरफ जाती हूँ, तो वहाँ मैं बकायदा पूछती हूँ कि खाना बनाने वाला इधर है क्या, इधर भी दिखा दूँ, तो बोलते हैं हाँ ठीक है दिखा दो ना, फिर जाके मैं दिखाती हूँ। उड़िया में मैं बोली हूँ, आप लोग जो नहीं जानते हैं वो लोग सुन सकते हैं। और वो जैसे बोले हम लोगों को शूट करने के लिए, हम लोगों ने वैसे ही शूट किया, घर दिखाने के लिए बोले घर दिखाया, कुछ सवाल पूछना था मेरे मन में वो सवाल भी मैंने पूछ लिया, और वो पीछे तरफ हमें दिखाने के लिए लिए तो मैं हमने लिया। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में जाके हम जबरदस्ती किसी का घर का शूट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस मैटर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी कमेंट आया था, कि तो हम नेगेटिव कमेंट में हम बिल्कुल भी बात नहीं करते और ध्यान नहीं देते आज के बाद, क्योंकि हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर जो हमें इतना प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगा कल का वीडियो में आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया, तो हम लोग सोचा कि ये बात को बता देते हैं। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे बताना, मैं घर से सोच रही थी बताने के लिए, लेकिन गांव में क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, तो सोचा कि यहाँ आ गई हूँ अब, और सारे जो भी यहाँ के काम थे वो भी कम्प्लीट हो गए, सोचा आज का वीडियो इस टॉपिक में बनाया जाए। तो हाँ, कैसे मिलने गए, एड्रेस दो, तो ऐसा नंबर दो, तो किसी का बिना इजाजत के किसी को बिना पूछे हम एड्रेस नंबर नहीं दे सकते, तो सॉरी, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम है या फिर उनको कमेंट करके आप लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो भैया हमारे हमें दिए हैं, इतने भरोसे से दिए हैं, हम भी उनके घर गए हैं भरोसे से, तो भरोसे से पूरा दुनिया कायम है, इसीलिए बोल रहे हैं ये बात को, है ना। और हम नहीं दे सकते, आप लोग हमारी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, कोई इंसान को का भी हमें भी नंबर नहीं मिला था उनका, तो हम लोग भी तो मतलब कैसे भी करके पहुंच गए ना। हाँ, हमें भी नंबर नहीं मिला था, हमें भी जो नंबर मिला था वो नंबर बंद बता रहा था, और फिर भी हम लोगों ने इंस्टाग्राम कमेंट वगैरह से हम भी पहुंच गए, पूरी जान लगा दी मिलने, हाँ, मिलने के लिए पूरी जान लगा दी, छोटा बच्चा लेके हम लोग मिलने के लिए गए थे उनसे, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो बस यही बोलना चाहेंगे, कोई इंसान जबरदस्ती किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है। अगर आप मेरे घर में आते हैं तो आप हमारे घर में जबरदस्ती, जब तक मैं ना बोलूं तो आप क्या शूट करेंगे, दिखाएंगे कि अपना घर घर घूम के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हमें इजाजत दिया आप बनाइए, तो हमने बनाया, और बहुत लोगों का बोलना यह था कि आप लोग गए तो खुश नहीं हुए, ऐसा गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों का आदर सम्मान नहीं किए, ऐसा भी बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बहुत आदर सम्मान किया और वो बहुत खुश भी थे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना है कि उनके मन में क्या था क्या नहीं था वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे साथ तो बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से हमसे बात की, बहुत अच्छे से ट्रीट किया हमें, और जिसको लगता है तो वो तो लगेगा ही, हम लोग जल्दी पहुंच गए तो उनसे मिल भी लिया। हाँ, जल्दी पहुंच गए तो हम लोग उनसे मिल भी लिया, और हमें खुशी भी हुआ कि हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए था, बस हमें उनसे मिलना था और हम मिलिए, बहुत अच्छा लगा, है ना। हम देखना चाहते थे उस इंसान को कि इतने जल्दी जो उसका काबिलियत बने और वो सक्सेस के राह में पहुंचे, तो हर सक्सेस इंसान के पीछे और हर सक्सेस इंसान से हमें सीखना चाहिए, इसीलिए हम गए थे उनसे मिलने के लिए।
और ऐसा नहीं है कि वो उदास थे ना, ऐसा नहीं है, उनको कहीं जाना था तो टेंशन में थे, तैयार हो रहे थे और हम लोग पहुंच गए उत्तराखंड, है ना। ससुराल घर जाने वाले। हाँ, उनके ससुराल यहाँ हो जाने वाले थे और हम लोग पहुंच गए। अच्छा हुआ कि हमने अगर 10-15 मिनट लेट कर दिया रहता तो हम नहीं मिल पाते उनसे। और हमें रुकना भी नहीं था क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग दूसरे का बाइक लेके गए थे और हम लोग ज्यादा टाइम भी उनके समथिंग 1 घंटा रुके हुए ना उनके घर, तो आधा घंटा तो हमारा बात करने में बीत गया। और वही जो भी है, हमने उनके घर में 2 वीडियो शूट किया था, लेकिन मैं क्या बोलते हैं उस वीडियो को 4 बनाई हूँ, जो रास्ते वास्ते का जगह भी शूट की थी वो दिखाई, उनके घर तक जाते तक छोटा सा क्लिप 45 सेकंड के दिखाई लास्ट में, और रास्ते में जो शूट किया था उसको 1 ब्लॉग बनाए और इंटरव्यू वाला को 1 ब्लॉग बनाए। तो इंटरव्यू वाला में उस दिन नया साल था तो मैं भी थोड़ा अपने घर का आप लोगों को विश करने के लिए 2 मिनट ऐड की, तो मिला के 10 मिनट का वीडियो बनाए, वो 8 मिनट का था इंटरव्यू वाला। और जो होम टूर वाला वगैरह वो सब बाय बाय करने वगैरह का ये सब वीडियो था, तो ये वीडियो को मैं 1 ब्लॉग बनाए, तो उसको भी मैं रिपीट करके थोड़ा जोड़ी हूँ। और जब बाय बाय कर रहे थे तो लास्ट विदाई वाला वीडियो, उसमें भी 55 सेकंड का मैं डाली ऐड की और फिर अपने घर आने के बाद में शूट की। तो ऐसे करके हमारे 4 ब्लॉग बनाए हम लोगों ने उनके नाम से। हम लोग बनाए वो वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे 4 वीडियो का। तो हम लोग कैसे गए, कैसे आए वहाँ, हम लोगों ने 2 वीडियो शूट किया उनके घर पे, इंटरव्यू वाला एक और उनका विलेज और उनका होम टूर, है ना। सब मिला के हमारे पास टोटल समथिंग 20 मिनट का वीडियो बना था हमारा, है ना। 20 मिनट का हम लोग शूट किए थे, उसी को जोड़ के हम लोग बनाए हैं वो वीडियो। और आप लोग उसमें एक सीख भी ले सकते हैं कि इंसान एडिटिंग कैसे करता है, किस हिसाब से वीडियो जोड़ना चाहिए और किस हिसाब से बनाना चाहिए, उसमें आप लोग सीख भी ले सकते हैं, है ना। जिसको अगर नहीं पता है तो इस तरीके से छोटा छोटा क्लिप को भी हम जोड़ के एक अच्छा वीडियो ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। तो मैंने भी वही किया, एक अच्छा वीडियो ब्लॉग तैयार किया। उसके लिए उस वीडियो के लिए मैं रात के 12 बजे तक जगती थी कि किस तरीके से मैं ब्लॉग को जोड़ूं और कैसे बनाऊं बोल के। हम लोग उनके घर से आ गए उसके 2 दिन के बाद ही मैंने पोस्ट किया था वीडियो, ना तुरंत मैंने पोस्ट नहीं किया था, 2 दिन के बाद ही हमारा दूसरा दिन गया, उसके दूसरे दिन के बाद ही पोस्ट किया था, क्योंकि जाने वाला जो रास्ता वगैरह का था वो हम लोगों ने 1 दिन का वो डाल दिया था पहले से, बाद में वो ब्लॉग वगैरह बाद में मतलब होम टूर वगैरह का बाद में शेयर किया। तो ठीक है, आज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पूरा उनका जो भी हिस्ट्री था हम लोगों का जाने आने का सब बता दिए। तो कमेंट करना आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल पे जो कोई भी न्यू है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आज भी लास्ट बार यही बोलना चाहेंगे कि आप जल्दी से हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपने परिवार के पास लौट सकें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, बस यही बोलेंगे, है ना। बाय बाय।